हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा बोर मॉडल के बारे में। हमने बोर मॉडल के बारे में बहुत सारी बातें बताई, किस तरीके से बोर थ्योरी ने आपका एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ने जो ऑर्बिट है वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो रही है, उसका फॉर्मूला बताया। उन्होंने बताया किस तरह से जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, ये कैलकुलेटर ने बताया। बोर थ्योरी से हमको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है ये हमको पता चली। तो इस तरीके से बोर का मॉडल और उसने एटम का स्पेक्ट्रम के बारे में भी पूरी बात बताई। तो इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि बोर मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल रहा, ठीक है। लेकिन कुछ फर्दर और न्यू डिस्कवरी हुई और जिनकी वजह से बोर मॉडल में कुछ कमियां दिखाई देने लगी। तो वो क्या थी चीज़ें जिनकी वजह से बोर मॉडल में कमियाँ दिखाई देने लगी? तो दो चीज़ें थी, मेन जो चीज़ थी आपका था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। एक ये रिसर्च हुई और दूसरी रिसर्च हुई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इन दो चीज़ों की वजह से जब ये दो चीज़ें हमारी लाइट में आई तो उस इनके आने के बाद फिर जो आपका बोर मॉडल है उसमें कमी नजर आने लगी। तो इस तरीके से पहले हम ये दोनों बातें सीखेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि आखिर बोर मॉडल की क्या क्या कमी थी, बोर मॉडल क्यों फेल हुआ, ठीक है। तो ये पहले ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, तो पहला पॉइंट हम सीखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है? आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जो लाइट है ये आपका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों की तरह काम करती है। जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों की तरह काम करती है, ठीक है। तो लाइट जो है पार्टिकल नेचर और दोनों तरीके से बिहेव करती है, इसका नेचर पार्टिकल भी है और इसका नेचर बच्चों वेव भी है। ये आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने बात बताई, आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने बात बताई कि लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करती है, ठीक है। इसी बात को इन्होंने 1924 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, 1924 में उनका नाम था डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जिस तरह से लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करती है उसी तरह से मैटर भी आपका पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करेगा। मैटर का मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मतलब उन्होंने बोला कि जिस तरीके से लाइट पार्टिकल और वेव दोनों तरह बिहेव करती है, ये बात आइंस्टीन ने बताई थी। और 1924 में डी ब्रोगली ने भी आपको ये बताया कि जिस तरह से लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करती है उसी तरह से जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल जो है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, एटम हो गए, मॉलिक्यूल हो गया, तो ये जो है मॉलिक्यूल हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो ये सारे जो पार्टिकल हैं ETC, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं और बहुत सारे जो छोटे पार्टिकल हैं, ऐसे छोटे पार्टिकल भी आपका वेव और पार्टिकल दोनों की तरह काम करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे लाइट के जो है दो तरीके से बिहेव करती है, वैसे ही जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, ये ध्यान रखना है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं, जिनको बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो भी आपका पार्टिकल और वेव नेचर दोनों तरीके से शो करते हैं, इसी बात को कहते हैं हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर।
मतलब जो आपका छोटे पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही पार्टिकल की तरह और वेव की तरह दोनों तरह बिहेव करते हैं। जबकि बोर साहब ने जो थ्योरी अपनी एक्सप्लेन किया उस थ्योरी में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल माना, उस थ्योरी में उन्होंने वेव जैसा कोई कैरेक्टर नहीं बताया, जिसकी वजह से कमी आने लगी। और आगे चल करके हम देखेंगे उनके मॉडल की कमियां के बारे में जानेंगे और उसी वजह से उनका मॉडल फेल हो गया। तो इन्होंने डी ब्रॉगली ने आपका ये बात बताई खास बात कि जो डी जिस तरह से लाइट पार्टिकल और वेव दोनों तरह से बिहेव करती है उसी तरह से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कोई भी छोटा पार्टिकल हो, बहुत सारे छोटे पार्टिकल हो सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मेसान पाई मेसान न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो और बहुत सारे छोटे पार्टिकल, वो सारे छोटे पार्टिकल वेव और पार्टिकल दोनों तरह बिहेव करते हैं ठीक उसी तरह से जिस तरह से लाइट बिहेव करती है। और उन्होंने एक फार्मूला दिया, उस फार्मूले को बोलते हैं हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन, उस फार्मूले को कहते हैं हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन। और वो जो रिलेशन दिया उन्होंने इसको कहते हैं हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन जो किया वो उन्होंने दिया, और डी ब्रॉगली इक्वेशन कैसे दिया उन्होंने, उन्होंने दो साइंटिस्ट के जो फार्मूले हैं उनके हिसाब से उन्होंने ड्राइव किया। एक फार्मूला था आपका आइंस्टीन का, आइंस्टीन ने जो फार्मूला दिया वो दिया E=mc² अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, और दूसरा फार्मूला दिया मैक्स प्लैंक ने, ये आइंस्टीन ने दिया। आइंस्टीन दूसरा आपका मैक्स प्लैंक, उन्होंने फार्मूला दिया E=hν। इन दोनों फार्मूले को इक्वेट किया गया तो ये आपका हुआ mc² = hν, और न्यू बराबर होता है c/λ, ये हो जाएगा आपका mc² = h(c/λ), सी से सी कैंसिल हो गया तो ये हो गया m(c)/h/λ। यहाँ से जो लेमडा बराबर निकलेगा, लेमडा बराबर हो जाएगा h/m(c), यानी फोटोन के लिए यानी लाइट के लिए ये फॉर्मूला लगेगा लेमडा बराबर h/m(c). h प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेमडा वेवलेंथ है, किसका वेवलेंथ, मैटर वेव का, मतलब ऐसा मतलब सब्सटेंस जिसके पास मास भी हो और आपका वेव की तरह भी काम करता हो, वेवलेंथ भी हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास भी रहता है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास भी रहता है और उसकी वेवलेंथ भी रहती है। तो इस तरीके से लेमडा बराबर h/m(c), यहाँ पर ये जो फार्मूला लगा है वो केवल लाइट के लिए लगा है, केवल फोटोन के लिए लगा है, लेकिन अगर हम कोई दूसरा पार्टिकल इस्तेमाल करें जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर जो सी है उसकी जगह हो जाएगा वी, वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी है, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है। तो ये आपका फार्मूला जो लगा है सी अगर आ जाए तो इन केस ऑफ लाइट, लेकिन अगर यहाँ पर वी आ जाए इसका मतलब एक्सेप्ट लाइट अदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड अदर पार्टिकल्स, ठीक है। इस तरीके से इस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है, लेमडा बराबर h/mv, इसी इक्वेशन को हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन के नाम से जानते हैं, लेमडा बराबर h/m(v). लेमडा का मतलब वेवलेंथ, h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, m का मतलब मास ऑफ दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड v का मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसकी हम लेमडा निकाल रहे हैं। इस तरीके से ये वाला डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन होता है। और जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है बच्चों, तो लेमडा बराबर h/m(v), यानी हम कह सकते हैं कि जो लेमडा है, लेमडा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब क्या देख रहे हैं कि मास जो है और लेमडा ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है वो केवल आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए नहीं, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बड़े पार्टिकल और माइक्रोस्कोपिक का मतलब छोटे पार्टिकल, ध्यान रखना एक मैक्रो और एक माइक्रो। तो मैक्रो
स्कोपिक पार्टिकल यानी जो बड़े पार्टिकल हैं उनका एम की वैल्यू ज़्यादा होगी, और एम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो लेमडा की वैल्यू बहुत कम आ जाएगी, और लेमडा की वैल्यू इतनी कम आ जाएगी कि वो किसी तरीके से उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि जब कोई बड़े पार्टिकल जब आपके मूव करते हैं तो वो भी वेव की तरह उनको शो करना चाहिए, लेकिन वो वेव की तरह क्यों नहीं शो हो पाते, क्योंकि लेमडा की वैल्यू बहुत कम होती है। जबकि जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनके लिए मास काफ़ी कम रहता है, मास काफ़ी कम रहता है तो लेमडा की वैल्यू ज़्यादा होती है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे पार्टिकल हों या बड़े पार्टिकल हों अगर वो मूव करते हैं तो सभी पार्टिकल चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों सभी पार्टिकल जो है वेव की तरह मूव करेंगे, लेकिन हमको जो बड़े पार्टिकल हैं वो वेव की तरह नहीं चलते दिखाई देते। उसका कारण ये है क्योंकि मास वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, लेमडा की वैल्यू बहुत कम होती है, और लेमडा की वैल्यू जब बहुत कम होगी तो उसको निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। यही वजह होती है कि जो ये वाला इक्वेशन है ये बड़े पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन छोटे पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट है, यानी अगर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बच्चों ये एक आपका प्रिंसिपल आया जिसको बोलते हैं लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एक ये चीज़ हमारी लाइट में आई, और इस चीज़ के लाइट में आने के बाद जो आपका बोर मॉडल था उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि जो बोर ने जो थ्योरी दिया उसमें इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल माना, जबकि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया कि जो पार्टिकल जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, तो इस थ्योरी में खाली इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल माना गया, तो ये इस थ्योरी की एक कमी थी। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा जो आपका रूल दिया वो था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था पहले जान लेते हैं प्रिंसिपल, फिर उसके बारे में और पढ़ते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता था कि अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, कोई छोटा पार्टिकल है, ठीक है, तो वो अगर मूव कर रहा है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों एक साथ निकालना इम्पॉसिबल है। मतलब अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम सिमल्टेनियसली हम एक साथ उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यही हाइजेनबर्ग साहब ने एक रूल दिया था जिसको बोलते हैं लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर कोई भी आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है वो आपका एक साथ दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकते, कौन चीज़ दोनों को उनकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते, इसी बात को बच्चों कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक बार देख लेते हैं क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल to measure simultaneously both the position and momentum. It is not possible to measure simultaneously both the position and momentum of a microscopic particle of a microscopic particle with absolute accuracy with absolute accuracy
को रिस्क, ये जो रूल था इसी को बोलते थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस रूल में क्या बताया गया, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर सिमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन, यानी पोजीशन और मोमेंटम, यानी पोजीशन एंड मोमेंटम, और किसका, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी ध्यान रखना है माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम उसकी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। इस बात को हम लोग कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसको मैथमेटिकली ये कहा गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाई। मतलब ये जो वैल्यू है ये मैथमेटिकल उसका फॉर्म है, ये इसका स्टेटमेंट है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर सिमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में ये कहा गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन, दोनों चीजें हैं एच अपॉन फोर पाई। डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, और डेल्टा पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और डेल्टा पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। हम लिख भी सकते हैं डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, पोजिशन इन पोजिशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स का मतलब है, और डेल्टा पी का मतलब है बच्चों डेल्टा पी की बात किया जाए तो ये है अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो इस तरीके से ये आपका डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, और इसकी वैल्यू अगर हम देखें ध्यान से तो इस फॉर्मूले में ये बता रहा है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इन दोनों की वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू या तो एच अपॉन फोर पाई को सॉल्व करने पर जो निकलेगी वैल्यू उसके बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी, इससे कम कभी नहीं होगी। ये बात यहाँ पर बताई गई है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बात कहा गया है कि अगर कोई आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसका जो एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों एक साथ निकालना इम्पॉसिबल है, दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकते। ये किसी इंस्ट्रूमेंट की कमी नहीं है बल्कि ये नेचर में ही ये बात है, ये नेचर में ही ये लिमिटेशन है कि हम किसी भी जो आपका पार्टिकल है अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते। इसी बात को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो ये कह रहा है, और दूसरी तरफ हमारा डॉयल नेचर ऑफ मैटर, इन दोनों चीज़ें जब लाइट में आई तो उससे बोर मॉडल में कमी दिखाई देने लगी। ठीक, बोर मॉडल में कमी जो दिखाई देने लगी और उसकी वजह से जो बोर मॉडल जो है फेल हो गया। तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आने से हुआ क्या, हाइजेनबर्ग जैसे कि हमने देखा कि डॉयल नेचर ऑफ मैटर, उसमें तो ये बताया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह और वेव की तरह दोनों तरह बिहेव कर रहा है, जबकि बोर ने जो थ्योरी दिया उसमें इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल कंसिडर किया है, इसकी वजह से ये थ्योरी फेल हुई, उसमें ये ड्रॉबैक था। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने किस तरीके से जो बोर थ्योरी है उसको अफेक्टेड किया, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो बोर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी एक डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री है, ये गलत बता दिया हाइजेनबर्ग ने। और पूरे के पूरे जो बोर मॉडल में जो बात कही थी कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक डेफिनेट ऑर्बिट वाले एनर्जी लेवल में, तो ये बहुत बड़ी बात थी, और इन्होंने क्या किया उस बात को ही गलत कर दिया। हाइजेनबर्ग ने कहा कि ऐसा नहीं होता, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट एनर्जी वाले ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी डेफिनेट उसका पास डेफिनेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इस फार्मूले में बताया गया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। इसको और ध्यान से देखें तो और भी चीज क्लियर होगी। उन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमने एक माइक्रोस्कोप लगा दिया,
क्लियर। ये माइक्रोस्कोप है, मान लीजिए यहां पर माइक्रोस्कोप, और ये इलेक्ट्रॉन एक मतलब जैसे कि ये आपका ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों ओर, मान लीजिए न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो हमने ये ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है ये ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, तो ये अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में इस तरह से, तो इसका मतलब आगे जो उसका एक्सपेक्टेड पाथ ये होना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है इस तरह से, अगर यहाँ पर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो आगे ऐसे जाना चाहिए, फिर ऐसे ऐसे जाकर के ऐसे आना चाहिए जैसा कि बोर ने बताया था, तो उसका जो एक्सपेक्टेड पाथ था वो ये था, एक्सपेक्टेड पाथ हमारा इलेक्ट्रॉन का ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेड पाथ ये होना चाहिए। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये बताया कि अगर हम कोई भी चीज को देखते कैसे हैं, अगर हम कह रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर हमको पता करनी है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम तभी पता कर पाएंगे जब वो इलेक्ट्रॉन हमको दिखेगा, ठीक है। तो दिखने के लिए कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने कि दिखता कैसे कोई चीज, दिखने के लिए उन्होंने बताया कि कोई भी चीज हमको तभी दिखती है जब उसके ऊपर लाइट गिरती है, मतलब फोटोन गिरते हैं, ठीक है, लाइट गिरती है, और जब वो लाइट गिरती है तो उस ऑब्जेक्ट को जिसको हम देखना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है लाइट, और वो लाइट हमारी आंखों में एंट्री करती है, तभी हमें वो चीज़ दिखाई पड़ती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई अगर आपका फोटोन है, ये मान लो कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है मान लीजिए, तो अगर ये इंसिडेंट लाइट है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जैसे मान लो टेबल को देख रहे हैं, तो टेबल के ऊपर जब फोटोन पड़ता है, क्योंकि फोटोन का मास काफ़ी कम होता है, फोटोन के पास जो एनर्जी है वो क्या फार्मूला होता है, E=hν, ठीक है, और उसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए जो बड़े पार्टिकल हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं उसको इफेक्ट नहीं कर पाती, और जब उसको इफेक्ट नहीं कर पाती तो हम उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये भी केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे बड़े ऑब्जेक्ट को देखते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को नहीं दिखते, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको हम नहीं देख पाते क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए नहीं, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ही देखते हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, फैन है, रूम है, कॉट है, तो इस तरह की चीज़ें देखते हैं हम अपने आसपास, हम अपने आसपास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं देख पाते। यही वजह है कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जिन भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं, और यही वजह है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए नहीं है, ये केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। क्यों? क्योंकि जब किसी लार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर सनलाइट गिरेगी, फोटोन गिरेगा, तो वो फोटोन की एनर्जी इतनी कम है कि वो उस ऑब्जेक्ट को, लार्ज ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं कर पाती। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा पार्टिकल है उसके ऊपर अगर लाइट गिरती है तो उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो ये आपका ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, क्योंकि जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो ये आपका अनप्रेडिक्टेबल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। हो सकता है कि ये इधर मूव कर जाए, हो सकता है कि ये इधर मूव कर जाए, हो सकता है कि ये इधर मूव कर जाए, कहीं पर मूव कर जाएगा, मतलब ये पक्का है कि इसका डायरेक्शन ये नहीं होगा, जो एक्सपेक्टेड जो इसका पाथ है वो नहीं होगा, यानी वो अनप्रेडिक्टेबल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर लाइट गिरेगी और जो लाइट गिरेगी उसकी एनर्जी का फार्मूला, एक फोटोन की एनर्जी का फार्मूला hν है, तो वो जो एनर्जी से इसके ऊपर गिरेगा, ये काफ़ी हल्का पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है ये, तो इलेक्ट्रॉन इतना हल्का पार्टिकल है कि उसकी वजह से ये डिस्प्लेस हो जाएगा, और जब ये डिस्प्लेस हो जाएगा तो फिर ये एक्सपेक्टेड पाथ इस पाथ में मूव करे,
कि इस बात को कैसे हम समझ सकते हैं, और इसी थ्योरी की वजह से बोर मॉडल इनका पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि अगर ये पार्टिकल अगर इसके ऊपर गिरेगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी तो इसका मतलब ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, बल्कि इसका मूव करने का डायरेक्शन तो अनप्रिडिक्टेड रहेगा, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, क्योंकि ये टकराने के बाद किधर जाएगा ये हम कैसे जान सकते हैं। तो ये सारी बात की वजह से क्या हुआ कि जो बोर मॉडल था वो फेल हो गया। तो बच्चों ध्यान रखना है, बोर मॉडल का जो फेल होना वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, कौन कौन से दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन दो ये खास चीज़ें हैं। एक था आपका है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरा है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये दो चीज़ों की वजह से बोर मॉडल हमारा फेल हुआ। अब हम सीखेंगे कि बोर मॉडल जो हमारा फेल हुआ उसमें क्या क्या कमी निकल करके आई, वो जो कमी निकली उन्हीं की वजह से बोर मॉडल फेल हुआ। इसको हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। तो लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल क्या था, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। जो बोर मॉडल थी उसकी क्या कमी थी, ये जो है इसकी लिमिटेशन बताया गया है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, तो बोर मॉडल की जो लिमिटेशन थी, तो पहली लिमिटेशन ये थी कि बोर मॉडल की हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और जो ड्यूअल नेचर है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यानी पहली जो आपकी लिमिटेशन है वो क्या लिमिटेशन है कि बोर मॉडल या बोर्स थ्योरी थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे बड़ी बात थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरी बात जो है आपका ड्यूअल बिहेवियर, ये दोनों बातें जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, ये चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो बोर मॉडल की ये एक जो है सबसे बड़ी कमी थी कि इन दोनों की वजह से आपका बोर मॉडल फेल हो गया। क्योंकि एक तरफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकुलर वेव दोनों तरह काम कर रहा है, बोर्स ने केवल इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना, वेव जैसा कंसिडर किया ही नहीं, तो इस तरह से उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी उनको फॉलो भी नहीं कर पाया। दूसरी बात, बोस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट हैं उसमें लगातार मूव करता रहता है बिना एनर्जी का नुकसान किए। इन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट की जो हाइपोथेसिस है वही गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर में कैसे मूव कर सकता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये दो बातें की वजह से इनका मॉडल फेल हुआ और ये इनकी मॉडल कमी थी। दूसरा कमी क्या थी, बोर मॉडल्स ऑफ एन एटम कुड नॉट अकाउंट। दूसरा था बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट अकाउंट फॉर द फाइनल डिटेल्स है उसको नहीं कर पाया, फाइनल डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ऑफ
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यूजिंग पावरफुल माइक्रोस्कोप, यूजिंग पावरफुल माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप। इस बात का मतलब बच्चों है कि बोर मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स, कुड नॉट अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स, यानी जो ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यूजिंग पावरफुल माइक्रोस्कोप। बोर्स ने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी दो एनर्जी लेवल के बीच में, किसी दो ऑर्बिट के बीच में, तो एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन उसमें बनती है। लेकिन जब उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वो जो सिंगल लाइन है वो भी बहुत सारी लाइन से मिलकर के बनी थी। उन लाइन के बारे में बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, उन लाइन के बारे में बोर को जानकारी नहीं थी या उन्होंने जानबूझकर एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इस तरीके से जो बोर मॉडल जो था वो और जो लाइन्स थी वो क्या बता रही थी इस बारे में इनकी थ्योरी साइलेंट थी। तो एक कमी थी कि अगर हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था उससे जो लाइन मिली थी जिनको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, वो जो लाइन थी वो फर्दर फिर छोटी छोटी और महीन महीन लाइनों में डिवाइडेड थी, स्प्लिट हो रही थी। तो वो चीज़ की जानकारी इनको नहीं थी, ये इनके मॉडल की कमी थी। उसके बाद में तीसरी कमी क्या थी इनकी, तीसरा इनका कमी ये था कि जो बोर ने क्या किया, अगर हम बोर थ्योरी का जो तीसरा पॉइंट था कि अगर हम कोई भी जो स्पेक्ट्रम है उसको अगर हम जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उस रेडिएशन इमिट होने के रास्ते में हम मैग्नेटिक फील्ड रख दें तो वो फर्दर फिर छोटी छोटी लाइन में डिवाइड हो जाती थी। इस इफेक्ट को जीमेन इफेक्ट कहा जाता था। इसके बारे में इनकी थ्योरी साइलेंट थी, जीमेन इफेक्ट क्या होता है ये बात इन्होंने नहीं बताई। ये तीसरा पॉइंट था, अभी लिखेंगे इसको। चौथा पॉइंट था कि जब किसी रेडिएशन को जो आपका रेडिएशन इमिट हो रहा है उसके रास्ते में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें तब भी उस इफेक्ट को बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये जो थ्योरी थी जीमेन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट क्या होता है इस बारे में ये थ्योरी भी कुछ नहीं बता पाई। इसको हम पॉइंट लिखेंगे, बोर्स थ्योरी फेल टू, बोर्स थ्योरी Bose theory failed to account for the effect of magnetic field Bose theory failed to account for the effect of magnetic field on the spectra of the atoms or ions। मतलब एटम और आयन का जो अगर हम क्या करें कि जो बोर्स थ्योरी फेल टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम्स, जो एटम का स्पेक्ट्रम है या एटम का जो या आयन का जो स्पेक्ट्रम है उसके रास्ते में अगर मैग्नेटिक फील्ड रख दिया जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी वो लाइन जो फर्दर फिर छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड जाती थी, इस बात के बारे में ये थ्योरी साइलेंट थी। और इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं जीमेन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जीमेन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। यानी जब स्पेक्ट्रा को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएं तो उस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग जीमेन इफेक्ट। तो ये आपका तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट था स्टार्क इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टार्क इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब जो बोर थ्योरी थी वो स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल थी। स्टार्क इफेक्ट क्या था कि जब हम बोर थ्योरी फेल टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम्स ऑफ आयन,
यही हम कह सकते हैं, इसी में बस खाली जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बोर्स थ्योरी फील्ड टू अकाउंट अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे वहां मैग्नेटिक फील्ड था यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा, मतलब प्लूरल वर्ड है स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम्स आर आयंस। मतलब ये चौथी कमी थी कि जो स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, इसी फिनोमेना को लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट क्या है, जीमेन इफेक्ट क्या है? तो स्टार्क इफेक्ट क्या है कि जो आपका स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के रास्ते में अगर मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो उसका जो फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग जीमेन इफेक्ट। अगर हम स्पेक्ट्रम जो है उसके रास्ते में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें तो उससे जो फिनोमेना शो होगा उसको बोलते हैं हम लोग स्टार्क इफेक्ट। तो बोस थ्योरी जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या था इसके बारे में साइलेंट थी। उसके बाद में अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हम कह सकते हैं कि फिफ्थ पॉइंट है बोस थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट है बोस थ्योरी could not give any clue for the shape of molecule, जो मॉलिक्यूल है उसका शेप क्या है, इस बारे में भी ये थ्योरी पूरी तरह से साइलेंट थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन कमियों की वजह से बोर मॉडल फेल हो गया। तो बच्चों क्या कमी थी, लिमिटेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के लिए, पूछा जाएगा बोर्स मॉडल क्या था, बोर मॉडल का सक्सेस क्या था, यानी बोर मॉडल की कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी। तो बोर मॉडल की क्या अच्छाई थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में हमको पता था, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में पूरी तरह सही बताया, उसकी एनर्जी निकालने का फार्मूला बताया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने का फार्मूला बताया, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी रेडियस निकालने का फार्मूला बताया। ठीक, उन्होंने जो फार्मूले बताए और जो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से वो सारी चीज़ें आपस में मैच करती थी, तो ये सारी चीज़ें सक्सेस था बोर मॉडल का। लेकिन उस बोर मॉडल से कुछ कमियां भी थी, तो कमियां क्या क्या थी, ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, बोर मॉडल की पहली कमी ये थी कि ये जो डॉयल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पहली कमी ये थी। दूसरी कमी ये थी कि जब हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम उन लाइन को गुजारते हैं, स्पेक्ट्रम लाइन्स को, तो फर्दर फिल्ड महीन लाइनों में फाइनल डिटेल्स यानी फाइनल छोटी छोटी फाइन लाइन्स में डिवाइड हो जाती है, इसके बारे में थ्योरी साइलेंट थी। जीमेन इफेक्ट क्या है इसके बारे में नहीं बताया, स्टार्क इफेक्ट क्या है इसके बारे में भी नहीं पता था, उसके बाद में मॉलिक्यूल की शेप के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। तो इस तरीके से बोर मॉडल्स के बच्चों ये सारी कमी थी। बोर मॉडल की फेल होने के बाद फिर साइंटिस्ट लोग एक नए मॉडल के बारे में फिर से सोचने लगे, एक ऐसा मॉडल जो इन सब खूबियों को मतलब इन सारी चीज़ों को पूरा करें। कौन सी चीज़ों को, जैसे कि पहले तक अभी तक जो मॉडल बने थे वो केवल इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान के ही चल रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा मॉडल के बारे में खोजा जाने लगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ वेव की तरह भी काम करे, पहली बात। दूसरी बात, उसमें डॉयल नेचर ऑफ मैटर हो गया, तो उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करें, यानी इससे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक डेफिनेट पाथ में मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ऐसा मॉडल के बारे में मतलब सारे साइंटिस्ट मिलकर प्रयास करने लगे कि जिससे कि ये जो नई नई डिस्कवरी हुई हैं उनको भी ओबे करें और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भी ओबे करें। इस तरीके से एक नया मॉडल बनाने की जरूरत हुई और एक नया मॉडल बनकर के आया। ठीक है, उस मॉडल को हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से जानते हैं। इस मॉडल के फेल होने के बाद एक नया मॉडल लाइट में आया, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये बताया गया, यानी ये जो मॉडल था ये मॉडल
क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड था, जबकि जो पहला वाले जो मॉडल थे जो बोर्स ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने बताए थे, वो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस्ड थे। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब है जिसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, छोटे पार्टिकल हैं, उनको खाली पार्टिकल माना जाता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के साथ वेव भी माना जाता है। इस तरीके से जो नया मॉडल था वो बेस्ड था क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड, तभी इस मॉडल को बोलते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से जानते हैं। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के साथ साथ वेव भी कंसीडर किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मॉडल आया, और इस मॉडल में जो भी रूल थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, ये रूल भी ओबे करते थे। तो इस मॉडल को देने के लिए जो है, जो कही जाता है कि 1927 में स्क्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने आपका एक मतलब फार्मूला दिया, एक वेव जो इलेक्ट्रॉन का जो एक वेव कितने काम करता है उस पर उन्होंने एक फार्मूला दिया। तो फार्मूला क्या था बच्चों, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये उन्होंने, इसको डिंजर ने एक फार्मूला दिया, ये वाला, ठीक है, ये फार्मूला दिया। तो आप याद रखना है, अगर आपसे कहा जाए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, ये साई का साइन है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर बराबर 0। ये फार्मूला दिया स्क्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक। तो ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला ही केवल आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन आउट ऑफ स्कोप है, इसका डेरिवेशन नहीं किसी भी एग्जाम में आता है, ना ही IIT में, ना ही NEET के किसी भी एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे कभी हम आपको बता भी देंगे, तब तक आप थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में जान जाओगे। इसमें आपका जो कैलकुलस इस्तेमाल किया गया है, और आपका सेकेंड आपका डिफ्रेंशिएट किया गया है दो बार इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्स वाई और जेड, ये आपके एक्सिस हैं, अलग अलग एक्सिस, और एम का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वेव की तरह कर रहा है काम, और पार्टिकल नेचर भी है। ई का मतलब टोटल एनर्जी, वी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, साई शब्द क्या है, साई का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका वेव की तरह काम कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम करेगा तो इस तरीके से चलेगा, तो जो साई है, साई का मतलब है इसका एम्पलीट्यूड, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेव एक डायरेक्शन में जाती है उसी को बोलते हैं हम लोग साई। तो साई के बारे में ये बात बताई, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में स्क्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट का सबसे बड़ा रोल था। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इक्वेशन दिया डी स्क्वायर साई अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस ई, ये बात बताई। और इन्होंने एक बात और बताई जो कि बोर मॉडल से डिफरेंट थी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मूव नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है, ऑर्बिटल में। एक नया शब्द आया बच्चों, एक था ऑर्बिट और एक है ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, ऑर्बिटल में रहते हैं, ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं। व्हाट आर ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स आर थ्री डायमेंशनल स्पेस, ऑर्बिटल्स आर थ्री डायमेंशनल स्पेस, थ्री डायमेंशनल नल स्पेस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। थ्री डायमेंशनल स्पेस है ये, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, थ्री डायमेंशनल स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उन एरिया को ऑर्बिटल कहते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी है,
100% हम नहीं कह सकते यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी जिस एरिया में ज़्यादा होती है उन एरिया को ऑर्बिटल कहा जाता है, जबकि ऑर्बिट का मतलब होता है वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। जो ऑर्बिट है वो बोट्स नाम के साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया, और जो ऑर्बिटल है ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इस्तेमाल किया गया है, जो मॉडर्न थ्योरी है वो ऑर्बिटल को बताती है। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग अलग हैं दोनों, ये आपको ध्यान रखना है कि ऑर्बिट अलग रहता है बच्चों और ऑर्बिट अलग होता है। ठीक, इस तरह से हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं तो पता चल जाएगा भाई क्या डिफरेंस है ऑर्बिट में और क्या डिफरेंस है ऑर्बिटल में। तो हम पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस सीख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ये दो तरीके के डिफरेंस है, एक तरफ हम लिख देंगे ऑर्बिट और एक तरफ लिख देंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या होते हैं, यहाँ पर हमने लाइन खींच ली, और इधर ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये ऑर्बिटल। ठीक है, तो इनमें दो चार पॉइंट याद रहेंगे तो हमें अच्छा तरह समझ आ जाएगा। तो ऑर्बिटल ऑर्बिट की जाए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, तो पहला पॉइंट लिखेंगे ऑर्बिट में, इधर ऑर्बिटल है तो पहला पॉइंट लिखेंगे ऑर्बिट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर जो पाथ है वेल डिफाइंड उसको हम लोग बोलते हैं इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ये आपका ऑर्बिट होता है। जबकि ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल जो है आपका थ्री डायमेंशनल स्पेस है वेयर द पॉसिबिलिटी मैक्सिमम, इट इज थ्री डायमेंशनल स्पेस, इट इज थ्री डी, इट इज थ्री डी स्पेस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये डिफरेंस है आपका ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, और क्या क्या डिफरेंस है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, ये हमने पहला डिफरेंस देखा। दूसरा डिफरेंस हम देख सकते हैं, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो है इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट रिप्रेजेंट्स प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट रिप्रेजेंट्स द थ्री डी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री डी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये दूसरा डिफरेंस था आपका इसके बीच में। तीसरा डिफरेंस है All orbits are circular. तीसरा डिफरेंस है जो ऑर्बिट्स होते हैं सारे ऑर्बिट सर्कुलर थे, नेक्स्ट डिफरेंस है All orbits are circular. जबकि यहां पर ऑर्बिटल्स है डेफिनेट शेप,
ठीक है, लाइक एस ऑर्बिटल है वो होगा स्फीयर, पी ऑर्बिटल लाइक डंबल, डंबल डी ऑर्बिटल जो है डबल डंबल, तो इस तरीके से ये सब सर्कुलर होते हैं लेकिन इनकी शेप अलग अलग होती है, ये बात बताया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जबकि यहां पर लिखेंगे हम चौथा पॉइंट, उसको हम रख कर दें, देख लो ध्यान से एक बार, यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा पॉइंट कम पड़ रहा है। चौथा कह रहे हैं कि एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, ऑल अदर ऑर्बिटल्स, ऑल अदर ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इस बात का मतलब यह हुआ कि जो आपके ऑर्बिट हैं ये सर्कुलर पाथ होते हैं, उनका खाली एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑर्बिटल का भी सर्कुलर होता है लेकिन पी ऑर्बिटल का डायरेक्शन अलग है, डंबल की तरह होता है, डंबल इस तरीके से होते हैं, डंबल ऐसे जो होते हैं डंबल लिखा जाता है, डंबल, ठीक है। डबल डंबल का मतलब होता है कि जो दो डंबल बना दें एक साथ, ऐसे और ऐसे डबल डंबल हो गए, तो इस तरह से इनका शेप यानी जो डायरेक्शन अलग अलग होता है, जबकि जो आपका सर्कुलर है इनका डायरेक्शन एक ही जैसा होता है, जबकि डंबल का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, हो सकता है कि डंबल ऐसे हो, या हो सकता है डंबल ऐसे हो, या हो सकता है डंबल ऐसे हो, ठीक, डंबल ऐसे भी हो सकते हैं जैसे ये डंबल है, या हो सकता है डंबल इस तरीके से भी हो सकता है, यानी इसका डायरेक्शन बदल सकता है, ये आपका एक्स एक्सिस में है तो ये वाई एक्सिस में है, हो सकता है जेड एक्सिस में हो डंबल, तो ऐसे भी हो सकता है, तो ये डायरेक्शनल बिहेवियर है, जबकि जो सर्कुलर पाथ है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो हर बार ऐसा ही रहेगा, ये कह रहे हैं। इसी बात को बोलते हैं हम लोग डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसका डायरेक्शन में चेंज हो सकता है जबकि सर्किल के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो सकता, यही वजह है एस ऑर्बिटल का भी जो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाता, बाकी सारे ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। तो ये जो है चौथा पॉइंट का मतलब ये है। उसके बाद में अगला है, लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि एन ऑर्बिट कैन एकोमोडेट, एन ऑर्बिट कैन एकोमोडेट, एन ऑर्बिट कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू टू एन स्क्वायर, where n is the number of cell, मतलब ये जैसे अगर हम कहें कि n ऑर्बिट कैन एकोमोडेट, यानी किसी भी ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इन फर्स्ट ऑर्बिट हाउ कैन इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट इन फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब होता है न्यूक्लियस के पास जो है पहला ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है न्यूक्लियस के पास उसके लिए एन की वैल्यू 1, जो सेकेंड ऑर्बिट है उसके लिए एन की वैल्यू 2, जो थर्ड ऑर्बिट है उसके लिए एन की वैल्यू 3 और आगे 4, 5, 6, तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आप पाएंगे, तो फार्मूला है 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर,
इस तरीके से फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर 2 और n के लिए कितना रखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 1 या 2, यानी पहले ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ऐसे ही अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो सेकेंड ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, सेकेंड ऑर्बिट में 2 का स्क्वायर 4 हो जाए, यानी सेकेंड ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ऐसे थर्ड ऑर्बिट बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जाए 18, यानी थर्ड ऑर्बिट में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और फोर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जाए 32, यानी 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो एक ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। तो फिर ऑर्बिट में इतने होते हैं तो ऑर्बिटल में कितने होंगे, तो इन्होंने बताया कि जो डिफरेंस में कि जो एन ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एन ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट एन ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो एक ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। चाहे कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे एस ऑर्बिटल हो, चाहे पी ऑर्बिटल हो, चाहे डी ऑर्बिटल हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 2 से कम हो सकते हैं, 1 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी मैक्सिमम केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों अलग अलग बातें हैं। जो ऑर्बिट है वो पुरानी थ्योरी यानी बोर के ने जो थ्योरी दी उसमें ऑर्बिट शब्द का इस्तेमाल किया गया। ऑर्बिट क्या होती है, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, जबकि आपका जो ऑर्बिटल होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं। तो ये सारे डिफरेंस हमने 4-5 डिफरेंस सीखे जिससे कि आपको बताने के लिए कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑर्बिट सर्कुलर पाथ होते हैं, ऑर्बिट का कोई डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, जबकि जो ऑर्बिटल हैं उसमें एस ऑर्बिटल को छोड़ करके सबकी अपनी अपनी डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद में जो ऑर्बिट है वो उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं, जबकि जो ऑर्बिटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से बच्चों ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल क्या है ये बात हमने सीखी। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में ये डिफरेंस हमने अभी सीखा। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में सीखा भी थोड़ी देर पहले कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस, और उसके बाद हमने उसके पहले हमने ये भी सीखा कि जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था उसमें आपका श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दिया d² ψ / dx² + d² ψ / dz² + 8π² (me - v) / h² = 0। तो ये सारी चीज़ों का मतलब आपको पता होना चाहिए। E का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी। V का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। साई का मतलब होता है कि जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड। H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। XYZ क्या है, ये सारे आपके कोऑर्डिनेट्स हैं यानी जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्योंकि ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं, इसलिए 3 डायमेंशनल में इक्वेशन रिप्रेजेंट किया, मैथमेटिकल इक्वेशन दिया श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने। और उन्होंने इस इक्वेशन को जो सॉल्व किया तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर उनको डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट मिले, और वो डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट जो हैं वो कांस्टेंट आपको क्वांटम नंबर कहलाते हैं। यही जो कांस्टेंट हैं वो क्वांटम नंबर कहलाते हैं। क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानने से पहले हम साई के बारे में थोड़ा सा और जान लें। जो साई है, साई का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन उसमें जो वेव की तरह काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता हुआ दिखाया गया है। और उसमें साई क्या होता है कि जो मैक्सिमम आपका डिस्टेंस कवर हो रही है इसी को बोलते हैं हम लोग साई, ठीक है। और साई स्क्वायर का मतलब होता है, अगर हम इसका साई स्क्वायर कर दें तो साई स्क्वायर का मतलब होता है यही ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है
यानी प्रोबेबिलिटी जो है उसकी कितनी है, ये जो है आपका साई स्क्वायर कहा जाते हैं, और इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, आर्बिटल। तो आर्बिटल यही होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसी एरिया को हम लोग आर्बिटल कहते हैं, और यही क्या है बच्चों, साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और ये आपका आर्बिटल कहलाते हैं। साई स्क्वायर की वैल्यू को ही हम बच्चों आर्बिटल कहते हैं। तो ये मॉड लिया गया, मॉड स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आ रही है, यानी अगर हम केवल पॉजिटिव वैल्यू रखें स्क्वायर करने पर, तो वैल्यू वैसे भी पॉजिटिव ही आएगी, इसीलिए हमने मॉड लगाया। मॉड ना भी लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो साई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी ऐसे रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और ये जो पॉजिटिव वैल्यू है यही बताती है आर्बिटल को, यानी थ्री डायमेंशनल स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो बच्चों जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जो आपका श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने जो इक्वेशन दिया, जिसको बोलते हैं हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जब इक्वेशन को सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करने के लिए हायर क्लास की मैथमेटिक्स लगती है, इसलिए ये आपके डेरिवेशन में नहीं आता, ठीक है, आपके किसी भी कंपटीशन में नहीं आता है ये, ठीक है। तो इसको आपको ड्राइव नहीं करना है, खाली इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है केवल, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो कॉन्स्टेंट मिले उन कॉन्स्टेंट को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो हम क्वांटम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं, ये क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो कांस्टेंट मिले, या हम ये भी कह सकते हैं क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। श्रोडिंगर ने जो आपको इक्वेशन दिया उसको जो सॉल्व किया, तो उससे बहुत सारी बातों की जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, न्यूक्लियस से कितनी दूर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी कितनी है, जो इलेक्ट्रॉन है उस वो किस आर्बिटल में है, ठीक है, उसका शेप कैसा है, ये सारी जानकारी इन कांस्टेंट से मिली, इसीलिए उनको हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो क्वांटम नंबर्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर which gives complete information about two electron, which gives complete information about two electron, ठीक है। तो क्वांटम नंबर वो नंबर हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, उनको हम क्वांटम नंबर कहते हैं। ध्यान रखो बच्चों, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे जाए, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो नंबर जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हम बच्चों बोलते हैं क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लेते हैं हम लोग, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स, जो क्वांटम नंबर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो पहला वाला जो क्वांटम नंबर है इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। दूसरा वाला है इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा वाला है जिसको बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा वाला है इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार क्वांटम नंबर हैं और इन चारों के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये क्वांटम नंबर के टाइप, तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स आर दो नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो नंबर पूरी जानकारी देते हैं उन नंबर को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बच्चों चार प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे चारों के बारे में। तो पहले बताते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लिखेंगे इट इज
represented it is represented by small n, इसको small n से represent करते हैं, ठीक है। It tells पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन्स इलेक्ट्रॉन लाइज इन विच सेल, इलेक्ट्रॉन किस सेल में है इस बात की जानकारी ये हमको बताता है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एन बराबर वन में इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब के सेल में है इलेक्ट्रॉन, अगर एन बराबर टू है, एन बराबर वन का मतलब न्यूक्लियस के पास वाली जो ऑर्बिट है इसके लिए एन बराबर वन, न्यूक्लियस से दूर है तो एन बराबर टू, और दूर है उसके लिए एन बराबर थ्री। तो इस तरीके से एन बराबर टू है इसको बोलते हैं हम लोग एल सेल, एल सेल, और अगर आपका एन बराबर थ्री में है तो इसको बोलते हैं एम सेल, और एन बराबर फोर में है तो बोलेंगे एन सेल, ठीक है। उसके बाद में एन बराबर फाइव है तो के एल एम एन ओ ओ पी क्यू एंड सो ऑन सब आती जाएगी। तो इस तरीके से इस तरह से ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में मूव कर रहा है। तो इस बात की जानकारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उसकी रेडियस कितनी है। और ये फार्मूला बताता था आर एन बराबर 0.529 × n² / z एंगस्ट्रॉम। तो ये n की वैल्यू जो है वो आपका बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस आपका रेडियस में है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी वाले फार्मूले में भी n का इस्तेमाल होता था। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है उसमें भी आपका इस्तेमाल होता था n। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की जिस ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन जिस आपका ऑर्बिट में है उसकी वेलोसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उसकी रेडियस कितनी है, ये सारी बातों की जानकारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना ये स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है, अगर एन की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है, एन की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो इसका मतलब डिस्टेंस और ज्यादा। तो मतलब ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है इस बात की जानकारी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको देता है। तो पहला क्वांटम नंबर के बारे में जाना, ये क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है बच्चों। दूसरा क्वांटम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर ही कहा जाता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसका एक नाम और भी है सब्सिडरी, सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना है, ठीक। लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर ज़्यादा फेमस शब्द है तो ध्यान रखेंगे ये, लेकिन सेकेंडरी कहा जाए सब्सिडरी कहा जाए इसका मतलब भी वही बात है जो एजीमुथल का है। एजीमुथल क्वांटम नंबर तो यहाँ पर पहला है, इट इज रिप्रेजेंटेड स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एल, और इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन पर डिपेंड करती है। इसका फॉर्मूला होता है एल बराबर 0 to n-1, ये इसका फार्मूला होता है। एल की वैल्यू एन के ऊपर डिपेंड करती है, ये बात। तीसरी बात क्या बताता है, ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इट टेस्ट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्लियर। इट
सेल्स द इलेक्ट्रॉन लाइट इन विच सबसेल सबसेल इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, इस बात को बताता है आपका ये पॉइंट नंबर। एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल, और शेप भी बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ये पॉइंट नंबर आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है और उसकी शेप क्या है, इस बात की जानकारी ये पॉइंट नंबर देता है। ठीक बच्चों, देख ले एक बार क्या बताता है। इट टेल्स द इलेक्ट्रॉन लाइज इन विच सबसेल, सेल बड़ा पार्ट है, सबसे उसका छोटा पार्ट है। यही जानकारी आपको बोर ने नहीं दी थी, बोर ने केवल सेल के बारे में बताया था, खाली बताया था स्पेक्ट्रम है केवल, जबकि स्पेक्ट्रम फाइनर लाइन में भी डिवाइड हो रहा था, वो फाइनर लाइन थी, वो बता रही थी सबसेल के बारे में। ये बात क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पता चली, जबकि बोर थ्योरी इसके बारे में साइलेंट थी। बच्चों ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं, ये आपका देख रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर में। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इट टेस्ट द इलेक्ट्रॉन लाइफ इन विच सेल, कैसे बताएगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना है एल बराबर 0, 1, 2, 3। अगर एल बराबर 0 आया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एस आर्बिटल में है, अगर एल बराबर 1 आया तो इसका मतलब पी आर्बिटल में है, और 2 आया तो डी, और 3 आया तो एफ। तो ये आपको याद रखना है फार्मूला अच्छी तरीके से, L बराबर 0 तो S में है, L बराबर 1 तो P है, L बराबर 2 है तो D में, L बराबर 3 है तो F में। ठीक है, तो L जो है 0 अपने नंबर के थ्रू ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। ठीक है, ये उसी तरह से होता है जैसे पिन कोड नंबर, पिन कोड नंबर आपने देखा होगा लेटर में, पिन कोड नंबर होते हैं वो एक प्रकार के नंबर होते हैं, लेकिन एक उनका एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है, यानी फला नंबर बताते हैं कि ये किस सिटी का लेटर है, या किस स्टेट का लेटर है, या किस कंट्री का लेटर है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वांटम नंबर है ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन लाइफ इन विच सबसेल, एल बराबर 0 मीन्स एस, एल बराबर 1 का मतलब पी सबसेल, और एल बराबर 2 का मतलब डी, और एल बराबर 3 का मतलब एफ। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि जो हमारी सबसेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसेल्स हमारी कौन कौन सी हैं, आपकी एस पी डी ये सबसेल्स हैं, और जो एस सबसेल है ये खाली एक ही सबसेल है, ये एक सबसेल है ये, और पी जो है ये तीन से मिलके बनी होती है। यहाँ पर हम सबसेल और एक आर्बिटल को हम किस तरह से दिखा रहे हैं, ये बॉक्स एक आर्बिटल बना रहा है, तो एक एस सबसेल में एक आर्बिटल होता है, पी सबसेल में तीन पी आर्बिटल होते हैं, एक ये एक ये एक ये, ऐसे डी वाले में 5 डी आर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये D वाले हैं, F वाले में होते हैं 7, इसमें होते हैं 7, तो इस तरीके से 7। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये सबसेल्स हैं और ये नीचे वाले क्या हैं, आर्बिटल्स। मतलब ये कह सकते हैं कि एक S सबसेल एक S आर्बिटल से मिलकर बनी होती है, एक P सबसेल तीन पी आर्बिटल से मिलकर बनी होती है, एक को कहते हैं पी एक्स, एक को कहते हैं पी जेड, एक को कहते हैं पी वाई, ऐसे ऐसे डी वाली भी जो बनी होती है इसको हम कहते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, लास्ट में डी जेड स्क्वायर। तो ये जो है ये आपके आर्बिटल्स और ये आपकी सेफ। तो ध्यान रखना है जो एल हमको क्या बताता है, एल हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है और आर्बिटल की शेप क्या है। ठीक है, तो आर्बिटल की शेप के लिए आपको ध्यान रखना होगा, शेप ऑफ आर्बिटल्स में हम पढ़ेंगे कि शेप कैसी कैसी होती है, शेप ऑफ आर्बिटल्स। तो जो आपका एस आर्बिटल होता है, एस आर्बिटल, जो एस आर्बिटल है उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होती है बच्चों एस आर्बिटल की। जो पी आर्बिटल है, स्फेरिकल का मतलब इस तरह से, स्फेरिकल मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, स्फेरिकल यहाँ ध्यान रखना है सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल है यानी थ्री डायमेंशनल एक्सिस है, जबकि सर्किल टू डायमेंशनल होता है और स्फीयर थ्री डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पर स्फेरिकल हम कह रहे हैं, नॉट सर्कुलर। स्फेरिकल का मतलब थ्री डायमेंशनल आपको ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए थ्री डी की बात करनी है आपको। पी जो ऑर्बिटल है इनकी शेप रहती है लाइक डंबल, डंबल शेप होती है, डंबल कैसे होते हैं इस तरीके से,
ये डंबल होते हैं, तो ये पी आर्बिटल की शेप होती है बच्चों। उसके बाद में जो डी आर्बिटल होते हैं, जो डी आर्बिटल है, पी आर्बिटल, उसके बाद में तीसरी जो शेप है वो डी आर्बिटल, डी आर्बिटल होते हैं डबल डंबल। डबल डंबल मतलब उसकी शेप डबल, इस शेप को डबल डंबल कहा जाता है। डबल डंबल का मतलब इस तरीके से ये और ये, तो इस तरीके से जो शेप होती है उसको बोलते हैं डबल डंबल। और उसके बाद में एफ आर्बिटल, तो यहाँ पर इसकी शेप कैसी होती, कॉम्प्लेक्स, काफी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स शेप्स है। इसको किस तरह की शेप पर नाम दिया जाए ये अभी डिसाइड नहीं हो पाया है, क्योंकि अब तक इतनी तरीके से गुथी हुई है कि कोई शेप दे नहीं पा रहा है, शेप पर कोई नाम ही नहीं चल पा रहा है। तो शेप ऑफ आर्बिटल्स के बारे में जो है हम ये देख रहे हैं, तो शेप ऑफ आर्बिटल्स देख रहे हैं कि जो एस आर्बिटल है उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल लाइक स्फीयर। पी आर्बिटल शेप कैसी होती है, डंबल इस तरीके से। डी आर्बिटल कैसी होती है, डबल डंबल, ये डी आर्बिटल की शेप है। एफ आर्बिटल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड यानी कॉम्प्लेक्स, ठीक, इसके बारे में कोई नाम नहीं दिया गया। इस तरीके से इन शेप के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो जो एल आर्बिटल हमको ये बताता है, फार्मूला याद रखना है, एल बराबर 0 to n-1 वैल्यू होती है। उसके बाद बच्चों जो अगला हमारा क्वांटम नंबर है, वो क्वांटम नंबर है हमारा बच्चों, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स व्हाट इज द ओरिएंटेशन इन स्पेस, ठीक है। तो ये क्या बताता है, इट टेल्स व्हाट इज द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इन स्पेस, स्पेस में क्या ओरिएंटेशन है, यानी स्पेस में ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, इसको स्मॉल m से डिपेंड करते हैं, ठीक है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल, एल यानी मतलब क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। इसका फार्मूला होता है बच्चों एम बराबर माइनस एल टू प्लस एल, यानी इंक्लूडिंग जीरो। तो ये आपका जो फार्मूला है ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, इट टेल्स व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल, ओरिएंटेशन यहाँ पर एक बात कहना भूल गए हम, ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल इन स्पेस, ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल इन स्पेस, इट टेस्ट व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल इन स्पेस। तो ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल क्या होता है बच्चों, ये बात हम समझेंगे। ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल का मतलब है कि जो आर्बिटल हैं जिनका डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स है वो किस डायरेक्शन में है, इस बात को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। इसी बात को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल इन स्पेस, यानी आर्बिटल का स्पेस में क्या ओरिएंटेशन है। देखिए किस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे बताता है ये, जैसे कि जो पी आर्बिटल है, जो पी सबसेल है, पी सबसेल वो तीन पी आर्बिटल से मिलकर बनी थी। ये एक को कहते हैं बच्चों पी एक्स, एक को बोलते हैं पी वाई, एक को बोलते हैं पी जेड। तो इस तरीके से आपकी तीन है। तो पी एक्स, पी का मतलब क्या होता है, डंबल। पी क्या बता रहा है, डंबल, और एक्स क्या बता रहा है कि अगर वो डंबल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जैसे अगर ये डंबल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इसको हम कहेंगे बच्चों, ये एक्स एक्सिस है तो इसको हम कहेंगे पी एक्स, ये एम बताता है, ठीक है। अगर ये डंबल वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस है तो इसको हम कहेंगे पी वाई, और अगर डंबल जेड एक्सिस के लॉन्ग है, जैसे मान लीजिए कि जेड एक्सिस है तो इसको हम बोलेंगे बच्चों पी जेड, इसको बोलेंगे पी जेड के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से पी एक्स पी वाई पी जेड कैसे दिखेंगे, पी एक्स का मतलब एक्सिस के लॉन्ग, पी वाई का मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग, और पी जेड का मतलब होता है जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक बच्चों। इसी तरीके से आपके जो डी आर्बिटल होते हैं वो पांच डी आर्बिटल से मिलकर के एक डी सबसेल बनता है। वो डी आर्बिटल का शेप कैसा होता है, शेप ऑफ डी आर्बिटल्स,
डी ऑर्बिटल्स, जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके शेप कैसे कैसे होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस मान लिया अगर हमने, ये वाई मान लिया, तो एक होता है डी एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच में इसकी लोब रहेगी ऐसे, इसको बोलेंगे हम लोग डी एक्स वाई, डी एक्स वाई यानी एक्स और वाई के बीच में डी एक्स वाई। एक होगा बच्चों डी वाई जेड, अगर इसको हम वाई मान लें इसको जेड मान लें तो ये हो जाएगा डी वाई जेड, डी वाई जेड, ये ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम एक को जेड मान लें और को एक्स मान लें तो उसको बोलेंगे डी जेड एक्स, डी जेड एक्स का मतलब है हम इसको एक्स मान लें इसको जेड मान लें तो ये हो जाएगा डी जेड एक्स, डबल डम्बल बनेगा सभी में, डी आर की सेफ डबल डम्बल होती है डी जेड एक्स। उसके बाद में एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो अब की एक्स और वाई के एक्सिस के अलोंग इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, यहाँ फर्क देखना ये इन दोनों एक्सिस के बीच में है ये उसके अलोंग है, इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। और एक होता है बच्चों डी जेड स्क्वायर, अगर ये एक्सिस जेड है तो ये आपकी एक जेड एक्सिस है, ये इसको बोलते हैं लोग डी जेड स्क्वायर। इस तरीके से ये पांच डी ऑर्बिटल से मिलकर के डी सबसेल बनती है, तो पांच डी ऑर्बिटल का सेट दिया हमने, ये आपका है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो देयर आर फाइव डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पर ध्यान रखना है एक्सिस की बात ध्यान रखनी है, ये तीन जो है एक्सिस के बीच में बन रही है, ये एक्सिस के लॉन्ग बन रहा है, ये खाली जेड एक्सिस के लॉन्ग बन रहा है, तो पांच प्रकार के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके शेप के बारे में उनको बताया। यही होता है ओरिएंटेशन ऑफ स्पेस, यानी स्पेस में क्या ओरिएंटेशन है। डी ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी शेप डबल डम्बल होती है, लेकिन वो डबल डम्बल किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है कि जेड के डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इसी बात को हम कहते हैं व्हाट इज द स्पेस ऑफ ओरिएंटेशन इन, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पेस, यानी जो ऑर्बिटल का स्पेस में क्या ओरिएंटेशन है वो ये दिखाया गया है। तो ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है इसके ऊपर, एल के ऊपर, एम बराबर फार्मूला होता था माइनस एल टू प्लस एल, पीछे हमने लिखा। उसके बाद में चौथा क्वांटम नंबर है जिसको कहते हैं बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको बच्चों स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वांटम नंबर क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन कैसा है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जो घूम रहा है और उसका अपने खुद की एक्सिस में भी रिवॉल्व कर रहा है उसका क्या डायरेक्शन है ये बताया है आपका इस क्वांटम नंबर ने, ताकि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में, या तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो अगर दो ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है सकते हैं मैक्सिमम पीछे, तो अगर वो क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो उसके लिए हम वैल्यू लिखते हैं एस की वैल्यू रहती है एस बराबर होता है प्लस हाफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए एस की वैल्यू रहती है बच्चों माइनस हाफ, एंड ये वाला क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इस क्वांटम नंबर को हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर्स कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, उसका रोटेट होने का स्पिन क्या है क्लॉकवाइज, आइदर एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है तो उसको हम लोग एस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसके लिए हम ऊपर की ओर रेनो लगाते हैं, ये हाफ हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नीचे की ओर, तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की ओर है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाया गया है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज, तो ये वाला जो है क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन, और ये वाला कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और आपका अबाव प्रिंसिपल के बारे में। थैंक यू।